हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल शेर आलम। वंस अगेन दिस इज डॉक्टर तौहीद आलम खान। आज फिर आपके सामने हाजिर हूं नए एनालिसिस वीडियो के लिए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और कल एचडीएफसी के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो ये संजोग बहुत ही अनोखा है। हमें बहुत सावधानी से ये सब देखना पड़ेगा कि कल क्या होने वाला है। कल या तूफान आएगा या तो जैकपॉट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आज कैसे आते हैं उसके ऊपर कल का मार्केट डिपेंड रहेगा। एचडीएफसी बैंक है, एक बहुत बड़ी बैंक है। बैंक निफ्टी को सपोज वही चलाती है, आप समझ लो, और इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। वर्ल्ड की बैंक में भी उसका टॉप 10 में नाम आता है, यानी इतनी बड़ी बैंक हो चुकी है वो। कल उसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो जरूर है मार्केट पे उसका असर पड़ेगा और पड़ना चाहिए, ठीक है ना। कल एक्सपायरी कैसी जाएगी हम कल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज की बात करते हैं। आज क्या हुआ मार्केट में, जो हमने लेवल्स दिए थे उस लेवल पे किस तरह से काम हुआ, और आगे के लिए भी हम चर्चा करेंगे। तो बैंक निफ्टी से पहले मैं निफ्टी की बात करता हूँ, क्योंकि निफ्टी चलाती है मार्केट को पूरा। स्टॉक मार्केट जितने भी स्टॉक्स वॉक्स हैं सब ये निफ्टी से ही चलते हैं। दोस्तों आप देखो, मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। ये वीडियो खास करके मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट भी करना, आपको जो डाउट है वो मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये पूरा एक महीने का ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है। निफ्टी इसी के अंदर घूम रही है, इसी रेंज में घूम रही है, ठीक है। अपसाइड और ये डाउन साइड, ठीक है, ये लेवल्स आपको दिख रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन जब तक ये चल रही है ये चलती रहेगी आगे, आप इसको आगे बढ़ाते चले जाओ जब तक ये ब्रेक नहीं कर रही है। जहां से सब रेजिस्टेंस मिलेगा वहां नीचे आएगी, जहां से सपोर्ट मिल रहा है वहां से ऊपर जा रही है, ठीक है ना। ये इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। टू और मोर टाइम्स अगर कोई भी एक लेवल पे जाके वो वापस आए उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट, ठीक है। दो से ज्यादा, दो से अधिक, समझ गया हिंदी में, और इंग्लिश में टू और मोर टाइम्स। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये लेवल्स, ये देखो एक बार, दो बार, तीन बार, आज ये चार बार भी ये छूते छूते रह गई, ठीक है। यहाँ भी सपोर्ट देख लो आप, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ बनी हुई है। अब लोग बोलेंगे ये ट्रेंड लाइन का क्या फायदा है भैया, तो ट्रेंड लाइन का ये फायदा है हमें यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल रहा है ना, कि हमें पता है कि यहाँ पे आने के बाद ये वापस नीचे आ रही है और यहाँ नीचे आने के बाद ये वापस ऊपर जा रही है, तो हम यहाँ पे हमारे कॉल और पुट की पोजीशंस ले सकते हैं एकदम इजीली, इसीलिए ये ट्रेंड लाइन बनाई जाती है। ये बीच में मैंने ब्लू लाइन क्यों बनाई है, ये इसका सपोर्ट का काम कर रही है, बहुत ही बड़ा तगड़ा सपोर्ट है। क्योंकि आप देखो यहाँ पर कितनी बार इसने टच किया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह बार इस लेवल को इसने टच किया है, 21,500 21,500। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है ये, मैं आपको रेगुलर बोलता हूं हमेशा बड़ी मूवमेंट साइकोलॉजिकल लेवल पे ही मिलती है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईस और बड़े जो भी हैं बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब वेट करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल का। ये 100-200 के पॉइंट में ये लोग ट्रेड नहीं करते हैं, ये करते हैं सीधा 500, 1,000, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है इस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था 21,000 का, वो तो पार हो चुका है, अब ये 22,000 के ऊपर है, वो भी उसने पार कर लिया था कल, जो हमारे लेवल्स थे हमने आपको दिया हुआ था, ठीक है ना। तो ये देख लो, अब जब ये निफ्टी कहीं भी अपसाइड या डाउनसाइड कहीं भी ब्रेक करती है, अच्छा खासा मार्जिन लेके और उसको सस्टेन करती है, तब हम बोल सकते हैं कि वो अपसाइड बुलिश है और वो अपसाइड या डाउनसाइड बेरिश हो चुकी है, ठीक है ना। अभी फिलहाल निफ्टी बुलिश ही है, मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, जब तक निफ्टी 22,000 के ऊपर है, कल तो 22,097 पे क्लोज हुई थी, 22,097, लेकिन अभी 22,000 जब तक इसका लेवल ये इंटैक्ट है, निफ्टी बिल्कुल बुलिश है। इसका एक सपोर्ट आ रहा है 21,900 पे, यहाँ पे करीबन 21,900 पे बहुत सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, मैंने ऑप्शन चेन पूरी चेक करी है, आप भी चेक कर लेना।
21,900 पे बहुत सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, यानी वहां पे वो उसको नीचे नहीं जाने देंगे मार्केट को 21,900 के बाद। वो अगर ब्रेक होगा तो फिर ये एक लेवल, एक सपोर्ट यहाँ पर हमें मिल रहा है, देखो 21,800 के आसपास, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये वाली ट्रेंड, ये एक लाइन में बनाऊंगा 21,700, ठीक है, ये जो सब बोल रहे हैं ना 700, तो ये एक सपोर्ट होगा 21,900 के बाद। ये बड़े बड़े बैरियर्स आपको ये इंट्राडे के दौरान काम आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लेवल्स और सपोर्ट बनाइए, ट्रेंड लाइन आप जरूर बना के रखना अपने लैपटॉप में, आपको ये ट्रेंड लाइन आगे जब तक ये जहां तक जा रही है उसको आगे बढ़ाते चले जाओ आप। मैं इसको ये दिसंबर से बनाते लेता चला जा रहा हूँ, देख लो कंटिन्यूस जहां तक जा रही है, जब ब्रेक हो जाए तब देखा जाएगा, अभी ब्रेक नहीं हुई है तो हमको ये लेवल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे निफ्टी बुलिश ही लग रही है, और मैंने आपको लेवल्स दिए हैं कि 22,000 जब तक इंटैक्ट है तब तक वो बिल्कुल बुलिश है, और सपोर्ट एक 21,900 पे बहुत ही तगड़े पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो ये आपको आगे के टाइम में काम आएंगे, ठीक है। अब लेवल्स हम कल की बात कर लें दोस्तों, मैंने जो लेवल्स दिए थे आपको पता है ना, कल जो लेवल्स मैंने दिए थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कल जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया था निफ्टी का वो था 22,059, पहला सपोर्ट था, निफ्टी वहीं पर है आसपास 50 और 30 के बीच में रेंज में देख लो आप, ठीक है, उसी रेंज में निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है। दूसरा सपोर्ट इसका था, दूसरा सपोर्ट की अब क्या बात करूं, वो तो कल खत्म हो गया ना वो, अब हम कल की बात करेंगे, कल के दिन कौन से लेवल्स रह सकते हैं। जो हमने बीते हुए कल में बात करी थी उसी लेवल पे हमारा मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, उससे नीचे नहीं गया है, उसको सस्टेन ही रखा है वहां पर, ठीक है ना। इसी तरह से हम कल की भी बात करेंगे, मैं लेवल्स आपको दे रहा हूँ निफ्टी के, निफ्टी अभी है 22,032 पे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है 22,205, यानी 22,200, सेकेंड रेजिस्टेंस है 22,354, वो भी अगर ब्रेक हुआ तो उसके बाद 22,592 भी हमको देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे के दौरान। ये कल के लेवल्स है निफ्टी के लिए। सपोर्ट का जो काम हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉल आ रहे हैं बीच में मेरे। फर्स्ट इसका सपोर्ट है 21,818, जो मैंने बोला ना 800 का सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, ये देखो पहले एक 800 का सपोर्ट है यहाँ पे, ये दो बार इसको टच कर चुका है, ये तो दो बार टच कर लिया, यानी एक सपोर्ट का तो काम करेगा वो। तो 21,818 फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट है 21,580, 580, ठीक है, ये कल का है, क्योंकि बहुत तगड़े ब्रेक होगा अगर 700 जो ब्रेक हुआ तो, 700 का जो लेवल्स है ना वो, बहुत लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो सपोर्ट 3 है 21,431, ठीक है, ये हो गए हमारे निफ्टी के कल के लेवल्स। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। देखो दोस्तों बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक रेंज में ही है, हम इसको अभी आपको मैं बता रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट, चलो 1 आवर के चार्ट में भी आपने देख लिया, इसमें आपको ये देखो ये सपोर्ट क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो 3-4 बार जो एक बार लग गया ना वो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट हो जाता है। तो ये 47,000 का तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन मैं लेवल्स की बात करूंगा आपको, कल के लेवल्स पहले मैं आपको दे दूं। इसमें भी देखो एक ट्रेंड लाइन आप बनाना चाहो तो बना सकते हो सीधी, ये ट्रेंड लाइन चल रही है पूरी, यहां से लेके ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनाओ, यहां से ये बनाओ, जब वो ब्रेक करेगी तो वहां भी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा कल के दिन। बैंक निफ्टी में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 48,334, सेकंड रेजिस्टेंस है 48,638, और थर्ड रेजिस्टेंस है 49,028, ठीक है। सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं, अगर कुछ नीचे होता है मार्केट में, उतल पुतल होता है, न्यूज खराब आए, रिजल्ट खराब आए, तो कहाँ पे जाके निफ्टी हमको सपोर्ट देगी, तो वो लेवल्स हैं 47,640, सेकेंड सपोर्ट है 47,250, और थर्ड सपोर्ट है 46,946, ठीक है। तो ये हमारे कल के लेवल्स हो गए, मैं लेवल्स आपको देता हूँ, आप अपनी डायरी में हमेशा उसको लिख के रखना ताकि आपको वहां से कॉल पुट लेने की समझ आए। तो
लोगों पे डिपेंड ना रहो कि कोई कॉल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमें लेवल्स पे काम होते हैं, और लेवल्स आपने देख लिए, आपने अगर सीख लिए तो आपको भी ट्रेड लेने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि मूवमेंट, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए। और जब कोई एक स्ट्रांग सपोर्ट टूटता है या स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वहां पे एक मूवमेंट मिलती है, मिलती है, मिलती है, गारंटी मिलती है। ये चीज आप ध्यान रखना। ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करूंगा। आज के भी ट्रेड हमारे काफी अच्छे गए। टाटा स्टील जो हमने 11 तारीख को एक ट्रेड दिया था वो हमारा बहुत अच्छा गया, करीबन आज उसने 5.15 का हाई बनाया, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेड्स भी लेते हैं, हमारी टीम को मैं बहुत चुनिंदा ट्रेड्स देता हूँ जो परफेक्ट जाएं। एक फिर निफ्टी का भी दिया था मैंने आज ट्रेड, फिर निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट आई, 64 से 72 तक गया वो, जिन्होंने बुक कर पाया, क्योंकि लास्ट के मूवमेंट में आज निफ्टी की, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, लास्ट मूवमेंट है निफ्टी की एक्सपायरी है, थीटा डीके होगा, पूरा दिन तो हमें बैठना नहीं है, जो मिले ले लो। जैसे ही उसने 64 क्रॉस किया वो 72 पे गई, यानी 8 पॉइंट हमको निफ्टी में मिल गए तुरंत, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ट्रेड्स भी देते हैं, चुनिंदा ट्रेड्स देते हैं, एकदम सेफ ट्रेड देते हैं। आप अगर नए हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल हमारा बिल्कुल फ्री है, लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और पुराने मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।